Supreme Court advocate by profession and communication coordinator in the All India Congress Committee, now in charge of Assam, Mahima Singh, addressing a press conference in Silchar on Saturday evening last, said BJP's wishes of wiping out Congress Party from this country is just a dream which they have the right to see every now and then. The Lotus 2.0 is now filled with more than 30% of Congress leaders, for which to say that the fight now is not between the BJP and Congress, but between Congress A and Congress B, is not absolutely incorrect, which even eminent leader and MP Gaurav Gogoi keeps on saying, said Mahima Singh. कि बड़ा मुंहतोड़ जवाब मिला भाजपा सरकार को जब कर्नाटक के अंदर श्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के जोरदार भाषण दिए और हिंदुत्व को और ध्रुवीकरण को चरम पर ले गए, लेकिन कर्नाटक में धुआंधार मेजॉरिटी के साथ आपने देखा कांग्रेस आई तेलंगाना को। ऐसा समझ लिया गया था कि कांग्रेस की ज़मीन थोक हो गई है वहाँ पर। तेलंगाना में हम आए, हिमाचल प्रदेश में हम आए, उनका तो ऑपरेशन लोटस लगातार जारी है। लेकिन आपने कहा कि देश के बहुत सारे राज्य तो हो गए, मैं तो कह रही हूँ कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई। आज आप ये देखिए कि भाजपा के अंदर 30% से ज़्यादा, और हो सकता है मैं 30% कम कह रही हूँ, उससे भी ज़्यादा कांग्रेस के नेता ही मिलेंगे। आसाम आपके सामने जीवंत उदाहरण है, जैसा कि हमारे जोरहाट के उम्मीदवार और आपके यहाँ के एक बहुत प्रबल नेता गौरव गोगोई जी ने भी इशारा किया था कि यहाँ पर लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस ए और कांग्रेस बी में है। तो इसलिए भाजपा का कांग्रेस मुक्त करने का इरादा तो अच्छा ख्वाब है, वो तो देखते रहना चाहिए उनको। लेकिन और अभी क्योंकि सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं तो ख्वाब देखने का बहुत समय। Further on, the Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, she said he is suffering from emotional disbalance, for he joined BJP but his heart is with the Congress, and for that very reason is now filling BJP party with Congress leaders. Later, she also displayed before the media persons the manifesto of her party. Himanta Biswa Sarma jo hain wo khud bhajpa mein to chale gaye magar man unka Congress ke saath hi raha hai na। उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने साम दाम दंड भेद करके प्रयास किया कि अपने कांग्रेस के साथियों को, चाहे उनके मन को कितना भी आघात पहुंचे, चाहे जनता के मन को जिनके वोट का अपमान होता है इस तरह के प्रयासों से, कितना भी उनको अपमान हो उनका, लेकिन जब वो खुद भाजपा में चले गए तो हो सकता है जो मौजूदा भाजपा नेता होंगे उनसे उतना सम्मान और अपनापन नहीं मिला होगा। तो इसलिए वो एक तरह से मैं कहूँगी इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार हुए, और उस इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार होने के चलते इस तरह का ऑपरेशन लोटस का जो एक 2.0 वर्जन है वो असम से दिखाने का काम उन्होंने किया।